जो है हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे गेट नंबर 5। तो चेक इन हो गया, ये हमारा बोर्डिंग कार्ड है, हमारा नहीं मतलब सिर्फ मेरा। ठीक है जी। तो इसका और अभी गेट नंबर D9 है मेरा अभी। तो उसके बाद जो है फ्लाइट हमारी कब टेक ऑफ होगी? 4 बजे बोर्डिंग टाइम। हाँ, 4:30 पे टेक ऑफ हो जाएगी। 4:30 और फिर 8:55 8:55 पे, 9 बजे नहीं 8:55 पे ये लाहौर में लैंड हो जाएगी। फिर वहाँ पे आ रही है मुझे दिल की। और फिर वहाँ से हमारे जिगरी दोस्त आएंगे सैयद असम मुंतसिब साहब, साथ उनके नहीं नुमान भाई होंगे शायद। अच्छा नहीं बताया। साथ उनके होंगे क्या नाम है, मलिक कामरान हो सकता है। अच्छा। साथ उनके हसन नवाज हो सकता है, मंजी तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बस यही लोग होंगे साथ। और उसके बाद जो नहीं सिर्फ दोस्त को बताया, उसको सैयद शाह को बताया, एक बंदे को बताया, सिर्फ एक बंदे को बताया। इस दफ़ा टिकट नहीं कैंसिल हुई? नहीं, वो बोर्डिंग हो गई है ना, नहीं हुई। अब ये बताएं कि आपकी फीलिंग क्या है, 3 साल पहले जब आप दुबई में आए थे उसके बाद आपने तगोजो की मेहनत की, कैसा रहा आपका सफ़र और कितने एक्साइटेड हैं घर जाने के लिए, वापस आने के लिए कितने एक्साइटेड? अगर आप लोगों ने तंगियाँ काटी हों और उसके बाद जो है आपको कुछ अच्छा सिला मिल जाए तो आपको फिर वो तंगियाँ महसूस नहीं होंगी। गल शरी मेरे दिलों निकल रही है, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। देखो मैं सीरियस हूँ भाई, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं, ये बिल्कुल सीरियस है कि मैंने आपकी स्ट्रगल देखी है, देखने वाले के लिए ये तो बंदा दुबई में गया लेकिन स्ट्रगल करके जो कामयाबी आते रहते हैं, कई बंदे आते हैं कामयाब होते हैं लेकिन जो स्ट्रगल के बाद कामयाब होती है वो इंसान को मजबूत बना, वो जो है उसको एक अच्छा सबक देती है, और आइंदा भी उसको सबक ये भी देती है कि आइंदा भी वो मेहनत करे तो बहुत कुछ पा सकता है। तो अभी अभी जो विजिट पे आना चाहते हैं वो बेहतर है या एजेंसी से डायरेक्ट जॉब पे आए, वर्किंग वीजा पे आए? एजेंसी से वो पैसा ज़्यादा लेंगे आपसे। ठीक है, अगर आपका कोई लिंक है यहाँ विजिट रिकमेंड कर रहे हैं आप? मैं विजिट रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, लेकिन विजिट पे आके ये नहीं कि आपने घर पे बैठे रहना है, विजिट पे आके आपने कोशिश करनी है। ठीक है, बाहर निकलें, डिफरेंट कंपनीज में जाएँ, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ पर जो है आप लोग करें। अगर ये होगा कि मैंने अपने दोस्त को बोला है, मैंने अपने भाई को बोला है, मैंने अपने कज़न को बोला है, मैंने अपने टीचर को बोला है, वो मेरे लिए जॉब करेंगे, तो भाई ये सारा कुछ जो है ना ये आप सीधे अल्फाज में कह लें कि ये झूठ है, डिपेंड नहीं करना कि। और ये अपने आप को आप झूठी तसल्ली देते हैं कि मैंने फलां बंदे को बोला है कि जॉब देगा वो मुझे, वो कभी भी आपके लिए जॉब का कितना वो करेगा वो आगे अपने किसी जानने वाले को आपकी CV दे देगा, आगे अपने किसी जानने वाले को बोल देगा, वो क्या है वो भी बेचारा काम कर रहा है और आप उसमें ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जिनकी जॉब लगी है वो भाग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम जा रहे हैं। नहीं, वो गलत बात है, आप लोग अपना पीछे इतना पैसा लगा के आते हैं, आपके घर वालों की आप पे ये बात हर कोई कहता है, लेकिन ये सिर्फ बात नहीं है, ये रियलिटी है कि आपके घर वालों की आप पे एक्सपेक्टेशन होती हैं, आपके भाइयों की, आपकी बहन, आपकी बहनों की, आपके वालदेन की, वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच के बैठे होते हैं कि हमारा बेटा बाहर गया है तो वो वहाँ से कुछ लेके आएगा या कुछ ना कुछ बनाएगा वो। अगर हम लोग इतने ही होते तो कभी बाहर ना आते। ठीक है, तो सारी बात है, हमें कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए बंदा बाहर आता है। बिल्कुल ऐसी बात। और अगर यहाँ पे आके हम लोगों ने ऐसे बैठे रहना है तो भैया ऐसे आने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जॉब मिली है, कैसी भी मिली है, जिस तरह की भी मिली है, उसको चुप करके करते रहें, उसको उस वक्त तक वेट ना करें जब तक आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ना हो। ठीक है, अगर विद होप के आपको मिलेगी वो गलत है, जब तक आपकी कंफर्मेशन ना हो तब तक आगे उस जॉब को आप स्किप ना करें। तो आप मुझे बस ये बता दें, जो सोचते हैं कि दुबई में स्ट्रगल नहीं है, इजी है, जाते ही आप जनाब अच्छी पोस्ट पे लग जाते हैं, ये आपने बात गलत है, स्ट्रगल क्या चीज़ है और फिर आपको रिवार्ड भी मिलता है इस चीज़ का, ये दुबई की क्वालिटी है। गलत है कि आप यहाँ पे आएंगे, आपके जानने वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने या किसी और ने आपके लिए जॉब ढूंढ के रखी होगी, आपको आते ही जो है वो आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे। ठीक है, करोगे आप, वो बहुत कम होता है, वो लगा ले 10% चांसेस होते हैं कि आप आते ही शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे आके मेहनत नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। नहीं, और ये भी बात है कि दुबई में कई लोग दुखी स्टेटस लगाते हैं, तो लेकिन ये चीज़ है कि आपको दुबई अगर आप मेहनती हैं तो कुछ बना के वापस भेजते हैं, कुछ अर्न करते हैं जो आप पाकिस्तान में सालों में जो भाई मेहनत करता है ना, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह की ज़ात देने वाली, वो मेहनत करता है
और दिल से मेहनत करता है और अपनी नीयत साफ रख के मेहनत करता है, उसको उसका सिला मिलता है। ठीक है, पहले मेरा काम कुछ और था, ठीक है, उसमें अपना मतलब जो भी था जैसा भी था मैं किसी और फील्ड में था, तो उसको भी मैंने अपने हालात देखे हैं और ये मैं आपको आप बीती सुना रहा हूँ। और अभी जो है वो मैंने हर चीज़ से जो है वो किनारा कशी करके फिर मैंने मेहनत की है, यहाँ पे 12-12 घंटे की शिफ्ट की है मैंने, 3-3, 4-4 माह लगातार छुट्टी नहीं ली। 12 घंटे ये बता रहे हैं जिसमें वो काम करते थे, 12 घंटे के अलावा खाना, कपड़े, घर वालों से बात, इंटरनेट, दूसरे काम, इधर उधर मेडिसिन वगैरह अगर खुदा ना आता जरूरत, वो अलग है, वो तकरीबन 18 से 19 घंटे बन जाते हैं, 5-6 घंटे सोने के लिए मिलते हैं। मैं सही कह रहा हूँ बड़ा जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह जी। जब मैंने ये जॉब अपनी स्टार्ट की थी तो उस वक्त ये था कि मेरी रहाइश जो थी मेरी जॉब से तकरीबन 45 किलोमीटर थी, और 45 किलोमीटर का यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है 2 घंटे, ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको मिल जाए तो। और उन 2 घंटों में जो थी वो तकरीबन 20 मिनट की पैदल वॉक थी, ठीक है, तो एक साइड का 2 घंटे जाने का, 2 घंटे आने का, 4 घंटे वो, 12 घंटे की आपकी ड्यूटी, 16 घंटे हो गए। और फिर आपने आप जब आपने रेडी होना है, उठना है, उस वक्त भी आपने कोई घंटा आधा पौना घंटा लेना है, और जब आपने काम से वापस आना है उस वक्त भी आपने फ्रेश होना है, खाना, फिर जाके घर वालों से बात करके फिर जाके सोना। तो भाई मेरा मेहनत जो है वो लाजमी है, मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मैंने देखा है आपको स्ट्रगल करते हुए, काफ़ी सारे बंदे भाग गए थे, काफ़ी मजबूत थे, लेकिन आपने जिस तरह हालात का मुकाबला किया है ना, आप मेरे साथ ही आए हैं, हमारे साथ हम लोगों का तकरीबन 40 बंदों का बैच आया था, और उसमें से गिने 2 लोग जो थे जिनको मैं जानता हूँ वो लोग यहाँ पे रहे हैं, एक मैं और एक लड़का था उसको सिक्योरिटी की जॉब मिल गई है, वो भी यहाँ पे रहा है, उसको भी कंपनी ने टिकट दी है कि वापस चले जाओ, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन ये कोविड के दिनों में आपने हार नहीं मानी? कोविड के दौरान जो है वो बहुत हार्ड पीरियड था, उसमें जो था स्ट्रगल भी बहुत की है, और उसमें बहुत एक जो कह लें कि आजमाइश थी वो सबके लिए थी, लेकिन जो है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कंपनीज में बाउंड थे कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि कंपनी में क्या था, कंपनी का जो खाना होता था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिलता था, ठीक है, लेकिन वो खाना ऐसा था कि पहले ना कभी खाया ना, और अल्लाह पाक किसी को भी वो दोबारा ना खिलाए, ठीक है, था वो खाना ही, हम लोग रिजक था, इज्जत से खाते थे उसको, लेकिन वो पकाने वाले जो थे वो ऐसे पकाते थे, या वो उनको जो या फिर उनको जो पकाने वालों को जो मटेरियल मिलता था वो ऐसा था, या जो भी था, तो कोविड के दौरान जो सही जो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना परदेश, वैसे मैं 3 साल के बाद वापस जा रहा हूँ, लेकिन जो प्रदेश मुझे फील हुआ है ना वो उन 6-7 माह में फील हुआ है, वो 6-7 माह 2 साल पे बारी नहीं आपके कहने को ऐसे ही, वो आप कह सकते हैं कि वो सही जो स्ट्रगल का था वो 6 माह थे कोविड वाले। तो एट द एंड सम अप करते हैं वीडियो को, आप बताएं कि आप खुशी से जा रहे हैं अपनी स्ट्रगल से, मुतमईन है दुबई ने जो आपको दिया, आपने जो सर्व किया, आपने कंपनी को सर्व किया, आपको ऑनर अच्छी मिली, कंपनी अच्छी मिली आपकी स्ट्रगल के बाद, जो आप अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने यहाँ पे हार्ड टाइम मैंने यहाँ पे गुजारा है, जो मेरे मुश्किल यहाँ पे आई थी पहले, ठीक है, तो उनमें मुझे नहीं था लगता कि मैं जो है ना कोई अच्छी जॉब मुझे मिलेगी या मैं कुछ कर पाऊँगा, मैक्सिमम मुझे ये था कि मेरा कुछ गुजारा हो जाएगा, मैं कोई 1-2 साल बाद जो मैंने वीज़े पे पैसे लगाए हैं, जो मैंने कर्ज़ा देना है जो मैं वीज़े के लिए लेके आया था, मैं मुझे ये लगता था कि मैं वही जो है ना वो पूरे करके ना तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन अल्लाह पाक ने जो मेरी मेहनत थी या जो मेरा यहाँ पे जो मुझ पे टाइम गुजरा था, जो मेरी आजमाइश थी, उसको देखते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी मिली, ठीक है, और ऑनर जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छे थे, पाकिस्तानी हैं, मोहम्मद अली नाम है उनका, greatdubai.com के नाम से उनकी वेबसाइट है, उनकी एप्लीकेशन है उसकी, और दुबई का वन ऑफ द बिगेस्ट रेंटा कार है उनका, और लिमोजिन कंपनी है, तो ये आपका ड्राफ्ट कर वो अभी भी आपके ऑनर है, अब वापस आएंगे अभी भी ऑनर ही है मेरे, ऑनर थे नहीं ऑनर हैं, मैं वो हैं अभी भी, तो रेंटा कार है उनकी दुबई की, सबसे बड़ी दुबई का सबसे बड़ा रेंटा कार है हमारा, लग्जरी का रेंटा कार है, उसके बाद लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन हमारी जो है वो है लिमोजिन कंपनी है, ठीक है, मैं बेसिकली लिमोजिन कंपनी में जॉब कर रहा था, तो अभी मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ आके, फिर मैं उसी से कंटिन्यू करूँगा, तो उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मुझ पर फाइन भी था और भी मामला थे, लेकिन उन्होंने
हर चीज़ को से बालादर हो के, तो फिर उन्होंने जो था ना मेरा वीज़ा भी उन्होंने प्रोसेस किया, हमें अच्छी रहाइश भी दी। हमारी जो रहाइश है वो वैसे वहाँ पे अगर लोग रहें तो तकरीबन भी 800-900 दरम बेड स्पेस वहाँ पे बनेगी, लेकिन हम लोग प्लस बन जी, और हम लोग जो हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं, हम लोग एक रूम में तीन लोग रह रहे हैं और तीन सेपरेट बेड्स लगे हुए हैं और अटैच बाथरूम है हमारा, मतलब बहुत अच्छी स्पेस है और मैंने बहुत अच्छी जगह है। और वो है भी जो है वो क्या नाम है, दुबई स्पोर्ट्स सिटी में है, क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल पास, बहुत अच्छी लोकेशन है। और हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो जितने भी हमारे कंपनी के फेलोज हैं और जो कंपनी के आनर के बारे में आपने बात बताई कि वो मैं हैरान हो गया, तो उनके यकीन नहीं आया कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हर एक स्टाफ की, और ना सेलिब्रेट करते हैं बल्कि आप सबको इन्वाइट करते हैं अच्छे होटल में इन्वाइट करके। अभी जो लास्ट टाइम हुआ है, मेरी भी बर्थडे गुजरी है, उसके बाद मेरा एक दोस्त है नुमान, उसकी बर्थडे थी, तो उन्होंने खुद स्पॉन्सर किया सारा कुछ। वैसे जितना भी हमारा स्टाफ है, उसके लिए जब भी उसकी बर्थडे होती है ऑफिस में पूरा जो है वो सबके लिए, जितना भी स्टाफ होता है उनके लिए खाना भी आता है, उस स्टाफ के लिए गिफ्ट भी मिलता है उसको, और उसको केक भी जो है वो ऑफिस की तरफ से दिया जाता है। और अभी रिसेंटली पहले मेरी भी गुजरी है 21 मई को, तो उन्होंने हमें केक भी था वो भी किया, फिर हमें बाहर उन्होंने खाना भी खिलाया अलबेक में शजी, आप जानते हैं कैसा ब्रांड है वो। और अभी रिसेंटली नुमान की गुजरी है 4 अगस्त को, तो उस वक्त वो खुद भी आए हैं वहाँ पे, तो अच्छा खासा हम लोगों ने वहाँ पे किया। साहब आपको पता है ईदें सो के गुजर जाती हैं, तो आपके बॉस जो आपके लिए कर रहे हैं और आप उनके लिए जो कर रहे हैं मैं अप्रिशिएट करूँगा उन्हें। तो बुड्ढा साहब अभी आपकी फ़्लाइट का भी टाइम होने वाला है जी, शाह जी बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेज, आप जाएँ उधर पाकिस्तान में लाहौर में, आप जाके उधर कढ़ाइयाँ खाएँ, हमें याद रखें, लेकिन तस्वीरें हमें सेंड नहीं करनी पाकिस्तानी खाने की, ठीक है? वो हम आएँगे तो खाएँगे, नहीं वो हम इंशाल्लाह आपको जो है ना वो जेलसी फील कराने का पूरा हम लोग मौका देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे 30 दिनों की मतलब। वो एक और दोस्त ने यही कहा था कि मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा नंबर हैं, पाकिस्तान में भी हमारा चेंज कर लें, आप अपना चेंज कर लें वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने बाद में आना। ओके बुढ़ा साहब, ठीक है शाह जी, बहुत शुक्रिया। आप वैसे शाह जी के लिए मैं इनको बोला था कि शाह जी मैं आपकी रिहाइश पे गुजरते हुए आपको मिलके चला जाता हूँ, लेकिन शाह जी ने बोला कि नहीं, मैंने आपको एयरपोर्ट पे आके वहाँ से मैंने आपको सी ऑफ करना है, पता नहीं इनको इनके जहन में था कि मैं वापस ना आ जाऊँगी, इसलिए वो गेट है मेरा उधर सामने, तो कह रहे हैं जी मैं उधर तक आपको छोड़ के तो फिर जाऊँ। नहीं, वो कहते हैं हरबूजा हरबूजे को देख के रंग पकड़ सही है दानियाल हमारे, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ दुबई में, ये मेरे उस वक्त के साथी हैं, कुछ और भी थे लेकिन वो चले गए वापस, अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ पहले भी जो था ट्रांसगार्ड में बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और फिर लास्ट नवंबर से ये यहाँ पे हैं, तो उस वक्त के बाद हमारी वक्तन मुलाकात होती रहती है। और हम अपने जो उस वक्त के जो साथी थे जिनमें मोइन खान है वो वापस आ गया है, और मलिक इशफाक है उसको हम लोग बहुत मिस करते हैं, वो भी आ गए, और अली हसन था लड़का वो बहुत अच्छा लड़का था उसको भी हम बहुत याद करते हैं, अयाज था जिसको आप लोग बेगम भी बोलते थे जी जी आप बोलते थे, और उसके बाद अली भाई थे, मुर्तजा था, उमैर वसी था, और भी थे दोस्त, सबको हम लोग याद करते हैं, उनको मिस करते हैं, अपना पुराना वक्त याद करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। अभी आप लोग भी सलामत रहें, ठीक है, और कोशिश करें कि मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक सिला देगा, हर बूदा हर बूदे को देख कर रंग पड़ता है, आपकी मेहनत का असर जो है हमारे पे भी पड़ेगा जी, बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सेफली जाएं, सेफली आएं।